क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं या आप अपने दिन के 86,400 सेकंड्स को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जिसको मैं फॉलो कर लूं और मैं एक टॉपर बन जाऊं? जनरली बच्चा एक सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, वो टॉपर के पास जाता है या अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और एक टाइम टेबल ले आता है। उसे टॉय पर एक टाइम टेबल दे देता है और वो कुछ इस तरह से दिखता है। 5:30 पे आपको उठना है, यू हैव टू वेक अप एंड फ्रेशन अप। 5:45 पे आपको एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है। 6 to 7:30 आपको एक हार्ड कॉन्सेप्ट सीखना है। 7:30 to 8:30 यू हैव टू गेट रेडी एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। 8:30 to 3 PM स्कूल टाइमिंग्स है, उसमें आपका ट्रेवल टाइम इंक्लूड कर लिया है, स्कूल जाना है आपको, वहां पे पढ़ना है अच्छे से। 3 to 3:30 एक पावर नैप लेना है ताकि आप रिफ्रेश हो जाए फिर से। 3:30 to 5 आपका फर्स्ट स्टडी आवर होना चाहिए जहां आपको पढ़ना है, रिविजन करना है और होमवर्क वगैरह देखना है अपना। 5 to 5:15 हाई टी टाइम। 5:15 to 6:45 आपका सेकेंड स्टडी आवर होगा, उसके बाद 15 मिनट का लेना है आपको ब्रेक। 7 to 8 एक रिविजन टाइम होगा आपका। 8 to 9 फन टाइम, आप फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। 9 to 9:30 डिनर टाइम होगा और 9:30 to 10:30 होमवर्क करना है और इस तरह से आपका दिन पूरा मैनेज कर दिया। बट ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ये टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाता, इसलिए आप इसको डिस्कार्ड कर दो। ऐसा कोई टाइम टेबल ही नहीं है जो आप 100% फॉलो कर पाओ, और जब आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। तो बेसिकली करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा डिपेंड करना है डिसिप्लिन पे। अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि भैया टाइम टेबल फॉलो कर लो, अपना टाइम टेबल मैं ऐसा बना के देता हूं आपको, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो और टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को एनालाइज करना है, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है और आपको आपके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मोटिवेशन पर रिलाय करोगे तो होगा क्या, पहले दिन तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, आप बोलोगे कि मैं 17 घंटे पढ़ लूंगा, 18 घंटे पढ़ लूंगा, बढ़िया सा टाइम टेबल बना लिया। लेकिन आप उसको ओवर द लॉन्ग रन नहीं चला पाओगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो इंटेंसिटी फेड होती 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 हो सकता है खत्म भी हो जाए। बट अगर आप एक रेगुलर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, रेगुलर डिसिप्लिन में आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखेगी। आपको करना क्या है, आपको अपने दिन को ऐसा मैनेज करना है कि उसमें सबसे पहले स्लीप साइकिल डिसाइड करना है। स्लीप साइकिल क्या है, आप कितने घंटे सो रहे हैं। जनरली एक अच्छे बच्चे को, एक टॉपर को 6 to 7 hours की स्लीप लेना चाहिए, ठीक। आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्लीप को कम भी मत कर देना, ऐसा ना हो कि 6.5 घंटे से कम हो जाए, या बहुत ज्यादा बढ़ा लिया कि 7.5 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि नींद और भूख ये दो चीजें होती है जिसके ऊपर पूरा पूरा आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जनरली कुछ लोग को सुबह सुबह पढ़ने में मजा आता है, बहुत अच्छा याद होता है। कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, उन लोग को रात में मजा आता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत ज्यादा देर रात तक नहीं पढ़े, देर रात तक बिल्कुल नहीं पढ़े। सुबह का टाइम साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो ज्यादा अच्छा होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें सुबह पढ़ें। अब कितने घंटे पढ़ना है, हाउ मच वी हैव टू स्टडी, कितने घंटे पढ़ना है सर आप ही बता दीजिए। आप अपने दिन को ऐसा मैनेज करो कि उसमें से कम 12 hours 12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब 12 घंटे को मैंने यहां पर 3:3:3:3 hours में ब्रेक कर दिया है, उसका एक साइंटिफिक और बहुत ही शानदार लॉजिक में ये बताता हूं आपको कि आप देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आप IIT एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका एग्जाम 2 slots में होगा, एक होगा सुबह 9 to 12 और फिर दोपहर में सेकेंड पेपर 2:30 to 5:30। इसका मतलब यह है कि 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्लॉट्स को 3:3 hours में डिवाइड किया है ताकि आपको शुरू से ही इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप एंड टाइम में एकदम अलग चेंज फील ना करें, ठीक। सिमिलरली जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तब भी वो 2 shifts में होगा, कुछ बच्चे सुबह देंगे, कुछ बच्चे शाम वाले स्लॉट में देंगे, 9 to 12 दे सकते हैं या 3 to 6 दे सकते हैं। तो बेसिकली 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस अगर आपकी शुरू से हो गई तो आपको एंड में जाके अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, ये आपका रोज का खेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरू में आपको मैनेज क्या करना है, आप क्या करो, 6 hours अपने क्लासेस को दे सकते हो
और बाकी जो बच्चे शिक्षार्थ हैं उसमें आप सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो और आपका होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब बीच बीच में ब्रेक लेना लाजमी है, आप पानी का ब्रेक ले लो, है ना, घूम फिराओ थोड़ा बहुत। आप अपना समय बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करो, अननेसेसरली रील्स देख रहे हैं आप, इन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अपने टाइम को यूज करें, ठीक है। एक एक सेकंड का काउंट होना चाहिए आपके पास, एक एक मिनट का काउंट होना चाहिए कि क्या मैंने अपना अमूल्य समय गवा तो नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने गोल्डन आर रूल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। गोल्डन आर रूल क्या, दिन का जो पहला घंटा होता है, इसका मतलब जब आप सुबह उठे, मान लो आप 5:30 उठे या 6 o'clock उठे, तो जो पहला आर होता है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप कोशिश करो, आपको जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट है जो आपको इजीली नहीं समझ में आ रहे हैं, आप उनको फर्स्ट आर में पढ़ने की कोशिश करो, सुबह उठते से पढ़ने बैठ गए, फ्रेश माइंड से आप चीज पढ़ोगे तो वो जल्दी ग्रास हो जाएगी, आपको समय कम लगेगा उसको सीखने में। और जो लास्ट आर है आपके दिन का, आप सोने वाले हो, जैसे आप एग्जाम्पल 11:30 सो रहे हो, तो 10:30 के पहले पहले कोई भी फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें। क्यों दूर रहें? क्योंकि इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक ही है, उसमें से ब्लू रेज वगैरह निकलती है, डोपामीन वगैरह रिलीज होता है, है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब तो होगी ही होगी, होगा क्या, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ चीजें चलती रहेगी, तो आपको उसको रिलैक्स रखना है। ये बायोलॉजिकली रिलेटेड है चीजें काफी, हालांकि अपन इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक ऊपर ऊपर मोटा मोटा आपको बता दूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम टेबल एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी सब्जेक्ट और मल्टी कॉन्सेप्ट रूल। आप क्या करो, कभी आप मान लो 6 घंटे पढ़ने बैठे हो, जब आप 6 घंटे पढ़ने बैठे हो तो ऐसा कभी भी मत करना कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आपने फिजिक्स उठाया तो आप फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ दे हो, आपने केमिस्ट्री उठाया तो आप केमिस्ट्री ही पढ़ दे हो, भले उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, या आप तीन तीन चार चार दिन तक एक ही चीज खींचे जा रहे हो, उससे होगा क्या, उससे दो नुकसान होंगे। एक तो बाकी जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस कम हो जाएगा, राइट। और आप देखो, जब भी आप पढ़ते हो तो आपकी धीरे धीरे लर्निंग की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है। तो आप 1 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद आप क्या करो, सब्जेक्ट स्विच कर लो। जब आप सब्जेक्ट स्विच कर लोगे तो आपको नई चीजें जब एंटर होगी अंदर, तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको वापस उसको एंटर करवाना है, ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लिया, 5 मिनट घूम लिए, है ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है ब्रेक लेने का, आप वॉक कर लो, पानी वानी पी लो, इधर उधर ना भटको, घर से बाहर ना निकलो, ज्यादा बढ़िया है, है ना। तो आप सोचो कि सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर लो, आप कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड कर लो और आर्ट्स को डिवाइड कर लो, उसके बाद आप उसको पढ़ो। तो 2 आर अपन ने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 2 आर अपन ने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी बचे हुए 2 आर अपन ने तीसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। आप ये भी कर सकते हो, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्या क्या चाहिए और लॉन्ग टर्म में मुझे क्या कवर करना है, कि मेरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं रिविजन कैसे करूंगा, ये आपके बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए थोड़ी चीजें, राइट। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ कि इस वीक में मुझे क्या क्या करना है, आपने देख लिया कि आपके नेक्स्ट वीक में टेस्ट आने वाले और आपकी करंट क्लासेस भी चल रही है, तो करंट क्लासेस में क्या क्या पढ़ना है, कितनी शीट सॉल्व करना है, रे सॉल्व करना है, डीपी सॉल्व करना है, वो भी होना चाहिए उसमें, और टेस्ट में क्या आने वाला है वो भी पढ़ना है आपने को, तो कैसे मैनेज करेंगे, इसकी प्लानिंग पूरे वीक की आप क्या होना चाहिए। सोचो 2 महीने बाद आपकी एग्जाम आ रही है, आपके मिड टर्म आ रहे हैं, आपके प्री बोर्ड आ रही है, हाफ ईयरली आ रही है, कोई सी भी एग्जाम आ रही है, तो उसका एक लॉन्ग टाइम टेबल, एक लॉन्ग टर्म वाला टाइम टेबल भी आपके पास होना चाहिए कि इतने ड्यूरेशन में मेरे को अगर वो टारगेट रीच करना है तो मैं उसको धीरे 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 पार्ट्स में ब्रेक करके कितना कितना पढ़ते जाऊंगा ताकि मेरा वो चीज़ भी साथ में कवर होती जाएगी, ठीक है। आपके पास ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि अब मेरे पास कुछ भी करने का नहीं है। ये थॉट तभी आएगा जब आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे, आपको सामने आपका गोल नहीं दिखेगा। अगर आपको सामने आपका गोल दिखने लग गया तो फिर ये थॉट आना ही नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है करने के लिए। भैया बहुत कुछ करने के लिए आप रिविजन कर सकते हो, जब भी ऐसा लगे टाइम बच गया अब क्या करूं रिविजन करूं, क्योंकि जितना आप रिविजाइज करोगे चीजों को वो आपको एग्जाम में एंड टाइम तक आपके साथ रहेगी। एग्जाम पेपर में जब आप बैठोगे, एग्जाम दोगे, तो 2 चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एक तो वो चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी जिसको आपने 3-4 बार 5-7 बार रिवाइज कर रखा है, वो आपको साथ रहेगी वहां पर,
और एक वो चीज़ रहेगी जो अपने एग्जाम के कुछ दिनों पहले पढ़ा है, बाकी सब गायब हो सकता है। इसीलिए रिविजन इज द की, क्योंकि अगर आपको एक बड़ा पोर्शन कवर करना है तो रिवाइज करते चलिए, रिवाइज करते जाएंगे तो गारंटीड वो आपके साथ रहेगी और वो आपके काम भी आएगी। ठीक है, यू हैव टू अलॉट टाइम टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किप मत कर देना। आप क्या करो, हर सब्जेक्ट को टाइम दो, हर सब्जेक्ट को। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, ये मेरे बस का नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका रैंक डिसाइड तभी होगा जब आप तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबको वेटेज बराबर बराबर दें, क्योंकि इंपॉर्टेंस सबका है। हाँ, स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप पहले फिजिक्स करें फिर केमिस्ट्री करें फिर मैथ्स करें, या आप पहले केमिस्ट्री करें फिर फिजिक्स करें फिर मैथ्स करें, ये आप डिसाइड कर सकते हो। और अपनी स्ट्रैटेजी आपको लग जाए कि हाँ ये वाली स्ट्रैटेजी से मैं जा रहा हूँ, तो अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन रखें। आप चेंज मत करें बार बार स्ट्रैटेजी को, क्योंकि जैसे ही आप कोई चेंज करते हो तो वहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट होता है। एग्जाम टाइम में वही स्ट्रैटेजी करना जिसकी प्रैक्टिस आप 100 बार 200 बार कर चुके हो। जिस पेपर पैटर्न को आप फॉलो करते जा रहे हो वही पेपर पैटर्न को आप एग्जाम में फॉलो करना, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होगी वहां पर। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रिविजन रूल। रिविजन इज द की टू सक्सेस, सीधी बात, इसको हैबिट बना लो। रिविजन को अगर आपने हैबिट बना लिया तो भैया फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चीजें जो आपने आज पढ़ी है वो एक साल में, दो साल में, लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगी और वो आपको काम आएगी। कब कौन सी चीज आपकी पढ़ी हुई काम आ जाए ये तो भैया एग्जाम पेपर देखने के बाद ही पता चलता है अपने को। तो रिविजन इज द की, मेक इट अ हैबिट। कैसे कर सकते हैं रिविजन? आप समरी कार्ड या कॉन्सेप्ट कार्ड बना लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ा आप उसको लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखने से चीजों का या टॉपिक का रिटेंशन बढ़ जाता है। अगर एक बार रिटेंशन रेट बढ़ गया, रिटेंशन बढ़ गया, चीजें लॉन्ग समय तक याद रहने लगी, तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्टिवेट टीचिंग मोड। अब आप सोच रहे होंगे ये टीचिंग मोड क्या है? टीचिंग मोड मतलब आप समझो, कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब कोशिश करो उसको पढ़ाओ। आप किसी को तभी पढ़ा सकते हो जब वो आपको ढंग से आता हो, बिल्कुल रूट तक। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रही है, तभी आप उसको पढ़ा सकते हो। तो टीचिंग मोड आपको ये बता देता है कि क्या आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में पकड़ है या नहीं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बफर जोन। आप कोई भी टाइम टेबल बनाओ, कोशिश ये करना कि उस दिन का टाइम टेबल या उस वीक का टाइम टेबल अचीव कर लो। बट फिर भी जनरली ऐसा देखा गया है कि जो टाइम टेबल हम कोशिश करते हैं या सेट करते हैं वो अचीव नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने आपको एक मॉडर्न तरीका बताया है कि आप बफर टाइम बनाओ, एक बफर जोन रखो अपने पास। एक बफर जोन क्या है? आप 30 मिनट्स टू 1 आवर का एक टाइम रखो कि पूरे दिन में इस टाइम में मैं फ्री हूं। आपने जो दिन का टाइम टेबल बनाया है उसको आप अचीव नहीं कर पाए हो, तो आप कोशिश करो कि उस बफर टाइम में उसको अचीव कर लो। करेक्ट? यह भी बात ध्यान रखना कि अचीव्ड टारगेट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड टारगेट का जो रेशियो होना चाहिए वो 90% से ज्यादा होना चाहिए, है ना? इससे एक फायदा भी होता है। सोचो आपने थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टारगेट बना लिए, है ना, थोड़ा सा अपनी लिमिट पुश करो, लिमिट पुश करोगे तो मजा आएगा। मतलब आप सोचो अगर आप दिन के 4 घंटे पढ़ सकते हो तो कोशिश करो 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। कोशिश, आप 8 घंटे पढ़ते हो तो कोशिश करो 9 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। उससे होगा क्या, जब आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाओगे तो थोड़ा सा गिल्ट रहता है मन में। जब गिल्ट रहेगा मन में तो आप अपने लिमिट को पुश करने की कोशिश करोगे। ऐसा भी मत करना कि आपने उसको 40% ही अचीव कर पाया, 50% ही अचीव कर पाया, ऐसा हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बना लिया, फिर आपको डीमोटिवेशन आएगा, आप उसको छोड़ दोगे, है ना? तो ये बिल्कुल भी मत करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। एक्सपेक्टेड और अचीव्ड, तो अचीव्ड बाय एक्सपेक्टेड का जो रेशियो होना चाहिए वो 90% से ज्यादा होना चाहिए। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत पोर्शन जो हमसे छूट गया या हमारे पास टाइम ही नहीं बचा इसको करने के लिए। ठीक है, और उसी के लिए ये रूल यूज करना है अपने को, बफर जोन बफर टाइम। ठीक है, 30 मिनट्स 1 आवर, ताकि आप बाकी जो पेंडिंग काम बच रहे हैं आपके वो सब चीज हो जाए। ठीक, अब और इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे अपने टाइम टेबल को इफेक्टिवली फॉलो किया जाए। सबसे पहले जब आप टाइम टेबल बनाओ तो अनाउंस कर दो किनको, घर वालों को।
बोल दो सबको आसपास वालों को कि आज भैया मैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ, आज अब मेरे को सब ऑब्जर्व करना, मैं आपको पढ़ता हुआ ही दिखूंगा। तो जब भी आपकी मम्मी या आपके पापा उधर से गुजरेंगे तो आपको याद दिला देंगे, कभी आप टाइम वेस्ट करते हुए दिख गए उनको तो आपको याद जरूर दिला देंगे कि आपने तो बेटा 8 घंटे का बोला था, क्या हो रहा है। तो आपके अंदर से इंस्टिंक्ट आएंगे, जो जागृत हो जाएगा वापस मोड आपका टीचिंग वाला, पढ़ने वाला, कि हाँ यार अपने को पढ़ना है, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कम से कम आप वहाँ पर समय बर्बाद नहीं करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी बाउंड्री सेट कर लो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखो। जब आप 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ रहे हो तो अपनी बाउंड्री सेट करके रखो कि इन 3 घंटों में मैं इस कमरे में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाने वाला। या 1 घंटे का अगर मैंने कोई रिविजन प्लान बना रखा है तो मैं उस टेबल पे ही बैठा मिलूंगा आपको, कभी भी आके देख लेना। अगर मैंने उस घंटे में रिवीजन अपना शेड्यूल कर रखा है तो मैं वहीं मिलूंगा आपको, उसी पोजीशन पे पढ़ता हुआ दिखूंगा। तो ये जो कुछ कुछ बातें हैं, अगर आप इनको याद रखोगे तो गारंटीड आपको एक अच्छा टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अगर मंजिल पाने की है आस और खुद पे है विश्वास, तब होगा IIT में आपका वास, फिर रचोगे आप इतिहास, दुनिया मानेगी बंदा है कुछ खास। जय हिंद, थैंक यू।